तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आनंद आलगी और आपका अपने चैनल सपोर्ट एसयू आनंद आलगी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना वो आपको लखपति बना के छोड़ेगी। सच्ची बता रहा हूं, अभी तक ऐसी वीडियो किसी ने यूट्यूब पे नहीं बनाई होगी। और जो आज मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ये है कीवर्ड रिसर्च टूल, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कीवर्ड रिसर्च करके एक ऐसी नीच पे अपनी वेबसाइट या ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, जहां पे मात्र 15 से 30 दिनों के भीतर आपकी साइट रैंक भी कर जाएगी और आप लाखों में कमाना शुरू कर देंगे। तो ये मैंने खोल रखा है एहरब्स का फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल। सबसे पहले मैं आपको नया खोल देता हूं ताकि आपको थोड़ी सी भी परेशानी ना हो। तो यहां पे आएंगे, आप लिखेंगे कीवर्ड रिसर्च टूल। तो यहां पे देखिए, आपके सामने पहले ही आ जाएगा कीवर्ड रिसर्च टूल फॉर फ्री, तो आप इसे सर्च कर लेंगे और सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगा एहरब्स करके, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। अब यहां पे आना है आपको और यहां पे पेस्ट करना है जो मैंने लिखा है, मीनिंग इन हिंदी, मीनिंग इन हिंदी। अब मैंने ये यूनाइटेड स्टेट पे है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा इंडिया पे। यहां पे लिखा हूं मैं मीनिंग इन हिंदी और इसे जो कंट्री है इंडिया सेलेक्ट कर लिया हूं। फाइंड कीवर्ड पर क्लिक करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है क्रस मीनिंग इन हिंदी और इसका केडी, केडी का मतलब होता है कीवर्ड डिफिकल्टीज, यानी कीवर्ड को रैंक करने में कितनी डिफिकल्टीज आएगी। तो यहां पे जीरो है, 2, 4, 5, 10, 50, 100 कुछ नहीं है, जीरो है। यानी कीवर्ड कोई सर्च तो खूब कर रहे हैं लेकिन इसमें किसी ने बना नहीं रखा है और कुछ लोगों ने बनाया है तो उसी की रैंक कर रही है। यानी इनको बीट करना बहुत आसान है। और देखिए कितने घंटे में, मात्र 12 घंटे में 120 के सर्च हुआ है। अभी सेकंड देखते हैं, हाउ आर यू मीनिंग इन हिंदी। हाउ आर यू का मीनिंग इन हिंदी में क्या होगा, सिंपल सा फंडा है भाई। तो यहाँ पे 2 दिन में 112 के सर्च हुआ है, जीरो डिफिकल्टीज है। की डिफिकल्टीज तो जीरो कौन डालता है, इस तरह डालता ही नहीं कंटेंट कोई। फिर यहाँ पे ऑक्यूपेशन मीनिंग इन हिंदी, इसकी भी कीवर्ड डिफिकल्टी जीरो है। यहाँ पे जितने भी कीवर्ड हैं 2, 1, 5 ये कुछ नहीं कहलाते दोस्तों, ये कीवर्ड डिफिकल्टीज कुछ नहीं है। अगर कीवर्ड डिफिकल्टीज तब मानी जाती है अगर वो 35-40 से ऊपर हो, तब कीवर्ड डिफिकल्टी मानी है। यानी जीरो है, 1 है, 2 है। आप इन सब कीवर्ड पर अपनी एक साइट पर्टिकुलर बना लीजिए और इन सभी कीवर्ड पर आप अपना आर्टिकल लिखना। आर्टिकल क्या लिखेंगे, मस्त, मतलब आर्टिकल भी नहीं लिखना आपको, मात्र 10 शब्दों में लिखना है। जैसे मैं किसी एक को ले लेता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और गूगल पे जाके सर्च करता हूँ कितना लोगों ने लिखा है। मात्र एक लाइन लिखना है और पैसे कमाना है, कुछ नहीं करना है गूगल का एडिसेंस लेके। यहाँ पे लिखा मैंने क्रस मीनिंग इन हिंदी और गूगल पे सर्च करता हूँ। आप नीचे आएंगे, क्रस यानी कुछ अलग लिखा है, क्रस का हिंदी में मतलब क्या होता है। बस अब इसके अंदर चलता हूं, देखता हूं इसने कितना लिख रखा है। मैंने यहां पे लिखा, फर्स्ट वाली साइट पे क्लिक किया, देखिए कितना लिख रखा है, बस खत्म इसका। आप इससे भी कम लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, मात्र आपको 4 लाइनें लिखनी है इसके लिए, मात्र 4 लाइनें। आप कहीं से भी इसको फाइंड आउट, और देखिए यहाँ पे एड्स चल रहा था, देख रहे हैं ना। चलिए फिर दिखाता हूँ, यहाँ पे एड्स चल रहा है, ये अब एड्स से कितना सारा पैसा कमाएगा। और एडसेंस का अप्रूवल वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं दिलवा दूंगा आपको, थोड़ा सा कुछ खर्चा होगा इसका, मैं अप्रूवल दिलवा दूंगा अगर आपको दिक्कत आएगी तो, ठीक है। थोड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे चल क्या रहा, पैसे कमाए कैसे जाते हैं भाई। ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, ज्यादा मेहनत कर दोगे हाँ खत्म। देख लो बस इतना ही लिखा है इसने, ये इतना बस, और कुछ नहीं है इसपे। और नीचे ही फिर दूसरे का मीनिंग लिख रखा है इसने, एडवर्ब लगा के कुछ कर रखा है, कुछ नहीं, बस यहाँ से एडसेंस से पैसा कमाएंगे। दोस्तों, मार्केट में अभी इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, इसलिए इसका कंपटीशन अभी बहुत ही लो है। आज ही आप इस पर अपना वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर नीच पर आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए, अगर आपके पास होस्टिंग है तब तो और भी अच्छा है, आप डायरेक्टली 100-150 का डोमेन लेके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास होस्टिंग नहीं है तो आप हमारी एंड में वीडियो एक आएगी, आपको उसे देख सकते हैं और आप कमेंट हमें कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर इसके लिए कंप्लीट वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी 1% वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।